हेलो स्टूडेंट्स लेटेस्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर सिक्स फॉर एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स दी गई हैं फर्स्ट टर्म है हमारी सेवनटीन और लास्ट टर्म हमें गिवन है थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी ना अगर कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है नाइन एंड अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड वट इज देयर डिफरेंस और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइन करने को बोला है और जो भी उनका सम है सम ऑफ टर्म्स हमें फ़ाइन करना है सो ऑबियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स एन हमें फाइंड करना होगा एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड हेट सो नाउ इट इज़ गिवन टू अस दैट कि ए हमारे पास 17 है लास्ट टर्म एल हमारे पास 350 है एंड डी हमारे पास 9 है सो लास्ट टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे या फिर एस ए एन का फॉर्मूला ही है इसको अगर लास्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल है तो उसको मैंने यहाँ पे एल लिखा है सो वी नो दैट कि लास्ट टर्म हमारे पास थ्री है ए हमारे पास सेवनटीन है और इस तरह से हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सो वी नो नाउ वी नो कम टू नो दैट कि एन हमारे पास थर्टी है नंबर ऑफ टर्म्स इस अर्थेमेटिक uh, प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास थर्टी टर्म्स हैं सो इसके बाद हमारा सम ऑफ टर्म्स एस एन फाइन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा एंड अगर वी नो दैट कि लास्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल हो तो देन वी कैन यूज़ दिस फार्मूला एस एन इज़ इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल सो एन की वैल्यू हमारे पास थर्टी एट है सिंपली जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे एन हम हमने थर्टी एट निकाला था सो so ए हमारे पास सेवेंटीन है और एल हमारे पास थ्री फिफ्टी है तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सिक्स नाइन सेवन थ्री आएगा सो देन वी कैन से दैट कि दिस ए पी कंटेंस थर्टी एट टर्म्स एंड समयर टर्म्स ऑफ ए पी एज़ सिक्स नाइन सेवन थ्री विच इज़ अवर आंसर